बहुत से लोग अंदर हैं जिनका मिलना हो रहा है, लेकिन बाहर जो है जिनका कुछ पहचान नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। फोटो जिसका आना चाहिए मोबाइल, माशाल्लाह शब का बेटी है ना। അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ ഷബക്ക് ആ ബോർഡറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് ബോർഡറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഷബക്കൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി. സബ് രാജസ്ഥാൻ വല രാജസ്ഥാനാണ്. അച്ഛാ हम खेरवाड़ा का रहने वाला है. अब यहाँ से आप चलोगे खेरवाड़ा आपका स्टॉप है. खेरवाड़ा से चलने के बाद आपका स्टॉप मिलेगा सीधा आपको उदयपुर, मतलब जहाँ मुस्लिम बस्ती की बात बता रहा हूँ, वहाँ 80 किलोमीटर खेरवाड़ा के बाद है. और इस रूट पे आपको इतनी मतलब भीड़ वगैरह भी नहीं मिलेगी, आपको चलने में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी भी नहीं आएगी, आप आराम से चलोगे. खेरवाड़ा वाले केसरेजी तक आपके लिए आएंगे. केसरेजी से आके फिर आपका जहाँ भी स्टॉप होगा तो वहाँ चावंड और प्रसाद के लोग पड़ते हैं, जो प्रसाद में आएंगे, प्रसाद में आके वो लोग आपको मिलेंगे, वो लोग उदयपुर तक आपको छोड़ेंगे. फिर उदयपुर के लोग अब जहाँ तक वो चल सकते हैं वहाँ तक आपको छोड़ेंगे. अब उससे नाथद्वारा वगैरह जैसा जैसा मतलब आगे आगे बस्ती आएगी, दूर दूर है. अब गुजरात में क्या था कि आपको हर जगह पे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे आपको हर गाँव मिल रहा था, तो वो भीड़ उस वजह से ज़्यादा हो रही थी. और दूसरा ये है कि अब हर व्यक्ति मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब सबको मिल नहीं पाते हैं, वो बात भी सही है. लेकिन इधर के लोग सब समझदार हैं, इधर इतनी भीड़ भी नहीं रहेगी. और लेडीज़ को भी हम लोग बिल्कुल मना किया है, अलाउ नहीं किया है. औरतें बच्चियाँ वगैरह लेडीज़ को बिल्कुल मना किया है. सब जेंट्स ही मिलेंगे और सब आपके सपोर्ट में रहेंगे, बिल्कुल ठहर तक पूरा सहयोग रहेगा. आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रोड पर चलने में. और ये रोड 6 लाइन है. पिछली बार आप चल रहे थे तो गोधरा और बड़ौदा के बीच में 4 लाइन रोड था, तो थोड़ा रोड भी छोटा था. अब ये 6 लाइन रोड आने के बाद में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानियां भी नहीं होगी क्या? नहीं, ठेठ उदयपुर आप निकल जाओगे, उदयपुर के बाद भी नाथद्वारा राजसमंद तक आपको दिक्कत नहीं. फिर उसके बाद अब आपका रूट चित्तौड़ से है या भीम ब्यावर से, ये हमें नहीं मालूम. और भीम ब्यावर से होगा तो 4 लाइन रोड है, लेकिन कुछ रास्ते में काम भी चल रहा है उधर भीम ब्यावर रोड पे, तो मेरे हिसाब से चित्तौड़ वाले रोड पे जाना अच्छा है. 6 लाइन रोड है वो. उसके बाद चित्तौड़ में मंगलवाड़ा आएगा, चित्तौड़ आएगा, वहाँ भी बहुत है आबादी, मुस्लिम आबादी, लेकिन भीड़ इतनी आपको नहीं मिलेगी इस जगह पे, इतना क्राउड नहीं मिलेगा. आप सहयोग पूरा देंगे वो लोग, लेकिन अभी देखो यहाँ पर भी जो लोग हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर डूंगरपुर है, पास में गांव है, गुजरात के भी लोग आए हुए हैं. 25 किलोमीटर दूर खेरवाड़ा है, उसके आगे फिर 10 किलोमीटर जवास है, जवास के पास में फिर इधर है खेरवाड़ा से 25 किलोमीटर करावाड़ा है. ये वहाँ की पब्लिक है सब, और सब लोग मतलब अपने अपने हिसाब से गांव से गाड़ी लेके आए हैं मिलने के लिए. अच्छा,
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, मौसम कैसा होगा? मौसम आपको सेम मिलेगा जैसे आपको गुजरात में मिला था, सेम मिलेगा। लेकिन राजस्थान में जैसे अभी जाओगे ना तो गुजरात से अच्छा रहेगा, इधर ज्यादा बारिश नहीं है, इतनी पब्लिक नहीं मिलेगी और पब्लिक भी नहीं है, बारिश भी इतना नहीं मिलेगा, कीचड़ भी नहीं मिलेगा। जो बारिश मिला था गुजरात में वो बारिश नहीं रहेगा। इधर क्या है कि पहाड़ी एरिया है, इसलिए कोई भी उतर जाता है, पानी जमा नहीं होता है, कहीं भी रुकता नहीं है रोड पे। पानी की अच्छी व्यवस्था मिलेगी इधर, अच्छी आगे क्या, और फैसिलिटी पूरी रहती है इस रोड पे। और दूसरा ये कि भाई आपको जो गुजरात में ज्यादा बारिश मिला था वो बारिश इधर नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान पहाड़ी इलाका है, पानी बह के रोड से निकल जाता है, आपको दिक्कत चलने में भी कुछ नहीं आएगी। ओके, बहुत लोग भी बहुत समझदार हैं, एक बार हमें उनसे मिलो यहाँ पे। नहीं नहीं मिलेंगे ना, निकलते समय मिलेंगे। जो मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ है क्योंकि ये अभी भी देखो आप क्राउड ज्यादा है ना। मैं एक बात बताता हूँ, क्राउड से कैसे मिलना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये गेट है, एक मिनट के लिए जैसे आपको अच्छा लगेगा, अब ये गेट है, गेट के बाहर अंदर कोई नहीं आ रहे, खाली ऐसे ही कतार बना दे, लाइन से खड़े हो जाए बना दे और यूं मिले, ये मिलना हो सकता है। लेकिन देखो बात सुनिए, पहले पीछे भी ऐसा किया, मतलब सबको सारों को क्या करता था वो श्याप भाई, वो रूम में जाने के पहले सारा लोग को क्या सलाम बोलता था, देखो सलाम बोल दिया, वो क्या बोलता था, इंशाल्लाह दुआ करेगा, ऐसा सब बोलता था। लेकिन ये लोग फिर वापस नहीं जाता है घर से, फिर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इधर नहीं होगा। यहाँ की जिम्मेदारी जैसे अभी हम कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको हाथ जैसे मिल लिया उसके बाद रवाना। राजस्थान में भीड़ भी नहीं मिलेगी, हम बता रहे हैं आपको, जो क्राउड गुजरात में था वो क्राउड राजस्थान में नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे क्या, एक बार मुलाकात हो जाए? हाँ बस, और गेट के बाहर ही, अंदर किसी को नहीं अलाउ करना है, बाहर से आए बस सलाम दुआ कर लिया फिर चल, निकलते समय वो भी ऐसा नहीं कि अभी जब वो रवाना होने के लिए निकले उस समय की बात है। ताकि देखो कोई लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, कोई दिल में मुराद, जैसे बहुत से लोग अंदर हैं जिनका मिलना हो रहा है, लेकिन बाहर जो है जिनका कुछ पहचान नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, वो लोग बेचारे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उनका भी काम हो जाए और वो भी मिल लें। एक बार आ जाए, एक बस झलक देख लें, झलक देख लें उसके बाद चले जाए। और ये बिछीवाड़ा एरिया पड़ता है पूरा, और बिछीवाड़ा एरिया पड़ता है पूरा, ये बिछीवाड़ा के बाद में आपको 25 किलोमीटर के बाद खैरवाड़ा गांव आएगा, लेकिन आपका उस स्टॉप उससे भी पहले है। जी 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 जी, उससे पहले आपका स्टॉप होगा अतिथि पहले, जो डूंगरपुर जिले में ही पड़ता है, डूंगरपुर जिले में पड़ता है, फिर वहां से आपका यहाँ से क्या है कि खैरवाड़ा से भी 5-3 किलोमीटर पहले एक होटल आएगी अतिथि पैलेस, वहाँ आपका स्टॉप है, ऐसा हमने सुना है। अंजुमन में बोल दिया अभी, अतिथि होटल में नहीं ठहरेंगे, अंजुमन में व्यवस्था कर रहे हैं अभी। अंजुमन ये खैरवाड़ा की है ना जो मस्जिद, अंदर जामा मस्जिद, जामा मस्जिद में कर दिया, खैरवाड़ा जामा मस्जिद। हाँ अभी मैंने सुनने में आया, देखो अभी मुझे भी पूरा मालूम नहीं है, लोग बता रहे हैं कि अतिथि को छोड़ के खैरवाड़ा मेन में कर दिया गया है, जो मुस्लिम समाज का बना हुआ है, मस्जिद वगैरह सब है, उस जगह पे रुकने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बहुत 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 शुक्रिया। ऐसा नमस्ते आपका, ये सल्तान वाला है, ये क्या घर है, क्या है घर है वो, क्या नर्सरी है? वन विभाग नर्सरी। अच्छा, ये तो सुनो, ये जहाँ पर आप फेरे हो वन विभाग है, वन विभाग मतलब ये पौधों वगैरह नर्सरी बोलते हैं ना, इधर सरकारी विभाग का एक वो क्वार्टर बना हुआ है, जो वन विभाग का पेड़ों की रक्षा करने वाले लोग यहाँ रहते हैं उनका बना हुआ है, इस जगह पे ठहरे हैं। ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാപക്ക ഉള്ളത്, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു നഴ്സറിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് കണ്ടില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ ക്രൗഡും ഇവിടെയും കൂടിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വലിയൊരു കുന്നു കയറിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇതാ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് നമ്മുടെ ബോർഡറിൽ ആക്കി, ഇപ്പം വീണ്ടും പിന്നീട് ഈ രാജസ്ഥാൻ പോലീസാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ശാപക്ക ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സലാം സർ. അതാണ്ട് ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പോലീസ് ഒരു ചെറിയൊരു ബാരിക്കേഡൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം വണ്ടികളൊക്കെ മെയിൻ റോഡിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ അവർ ബാരിക്കേഡൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഷാബ്ഖാന്റെ മോളെ ഫോട്ടോ ഷാബ്ഖാൻ കേട്ടോ ഇത്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ക്യാ നാമ ബേട്ടി ആപ്കാ മൈ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ മാഷാ അല്ലാ ഫാത്തിമ സലാം ബോലോ സലാം ബോലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഹാ ഹാ അദദ एक गांव का नाम क्या बोलते हैं भाई साहब? बिच्चीवाड़ा। अच्छा, अभी किधर जाता है माल में? किधर जाता है कौन? ये खैरवाड़ा जा रहा है। अच्छा, कितना दूर है इधर से वहाँ तक? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। ओके, इधर हमारे शाब का गाना रावल था, फुट गई लंज कहीं हमारे शाब का यात्रा तुंगे अंप ऐसी 25 किलोमीटर मुंबा शाब का स्टे कटो।